यमुना निकलती है यमुनोत्री से और गंगा निकलती है गोमुख से, गंगोत्री के आगे 21 किलोमीटर आगे से। लेकिन क्या आपको पता है सरस्वती कहां से निकलती है? बहुत लोगों ने इसकी खोज निकाली, किसने कहां बताया और किसी ने कहां बताया, लेकिन पत्रिका.com पहुंच गया उस जगह पर जहां से उद्गम हुआ सरस्वती नदी का। जी हां, यह है सरस्वती नदी माना गांव में, यहां से हुआ है इस मां सरस्वती नदी का उद्गम। यहां से सरस्वती निकलती है, लोग ये कहते हैं कि इलाहाबाद में जाके गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है, संगम होता है, लेकिन उद्गम कहां होता है इसको लेके बड़े सवाल खड़े किए थे। लेकिन पत्रिका.com ने प्रमाणों के साथ में ये साफ कर दिया कि माना गांव की वो जगह जहां के नजदीक है भीमशिला, जहां है हिंदुस्तान की अंतिम दुकान और जहां है वेदशिला, जहां है वसुंधरा, वहां से निकलती है सरस्वती, माँ सरस्वती का उद्गम। जब सरस्वती आगे चलती है तो पहाड़ के दूसरी तरफ से बहती है अलकनंदा। सरस्वती का रंग इतना मनोहर, इतना पावन, इतना निर्मल स्वभाव के मुताबिक, और ये इधर से जाती है और उस पहाड़ के दूसरी तरफ से निकलती है अलकनंदा। दोनों नदियां जाके मिल जाती हैं और संगम हो जाता है सरस्वती का अलकनंदा में। जी हाँ, पत्रिका.com के लिए उर्क्रम शर्मा इस समय मौजूद है सरस्वती के उद्गम स्थल से, पेश है रिपोर्ट। ये जो नदी का दृश्य दिख रहा है इसे सरस्वती नदी का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। माना गांव बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर आगे चीन की सीमा की ओर, और यहीं से सरस्वती निकलकर आगे बहती है पावन निर्मल जल। कहां से इन चट्टानों और शिलाओं के पीछे से आ रहा है किसी को कुछ नहीं पता। भीमशिला भी इसे कहा जाता है। और इसी के कारण लोग यहां इसके दर्शन करने आते हैं सरस्वती नदी के। पत्रिका.com के लिए उर्क्रम शर्मा की रिपोर्ट माना गांव के अंतिम छोर से।